नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे साथ साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डॉक्टर टी के गौतम जी को। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम, थैंक यू, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में कोरोना वैक्सीन का तीसरा फेज यानी कि आज 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। इसमें 45 साल से ज्यादा उम्र वाले यानी कि 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी सरकार ने की हुई थी और आज से जो है इसको एक्सक्यूट कर दिया है। सरकार का कहना है कि कोविड-19 की वजह से हुई मौतों में इस एज ग्रुप की हिस्सेदारी लगभग 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 90% रही है। इस वजह से इन्हें वैक्सीनेट करना बेहद जरूरी है और डॉक्टर साहब आज मेरे साथ हैं और वो पूरे वैक्सीनेशन में एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं कि किस तरीके से वैक्सीन लगना है, वैक्सीन लगने का असर कितना होगा, कितने दिन के बाद इसका इम्यून का असर आप में दिखेगा, ये सब चीजों पे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि जिस एज ग्रुप को आज आपने वैक्सीनेट करना शुरू किया है उनके सवाल शायद जो जिनको आप लगा चुके हैं फर्स्ट फेज में उनको तो मालूम ही है और जिनको आपने लगाया है वो थोड़ी बड़ी उम्र के हैं उनमें उतने सवाल नहीं होंगे, लेकिन जो ये वाला सेगमेंट है थर्ड फेज का इनके बहुत सारे सवाल भी होंगे। तो हाँ जी, अपने धन्यवाद। सभी दर्शकों की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्योंकि आप इस प्रोजेक्ट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज का क्या सीन रहा, तीसरा जो फेज अभी आज तक शुरू है? जी हाँ, मेरठ को बताऊं। सबसे पहले मैं मेरठ का उदाहरण रखना चाहता हूं दर्शकों के सामने कि अभी जी तक हमारे जो मेरठ की जनसंख्या लगभग 40 लाख के आसपास है, और जी 40 लाख से जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर थे और हेल्थ वर्कर थे, जी उनका हमने वैक्सीनेशन पूरी तरह से कर दिया है। तो जी जी लगभग हमारे, हाँ, जो हेल्थ वर्कर थे हमारे, उनका हमने 81.9% किया है, जी और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर थे उनका भी हमने 81.4% वैक्सीनेशन कर दिया है। तो इस जी प्रकार जी से दैट्स टोटल ग्रेट अगर हम मेरठ के अंदर, अभी तक तो मेरठ के अंदर जी हमारे पास दोनों वैक्सीन आई हुई है, कोविशील्ड भी आई हुई है, कोवैक्सीन भी आई हुई है, और जी जी 1,29,670 लोग इसमें से फर्स्ट, जिन्होंने पहली फर्स्ट लाइव वो डोज ली और जो बूस्टर डोज ली उनको सबको मिला करके 1,29,670 लोगों ने अभी तक जी हमारी यानी कि वैक्सीन ली है। और जी ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि अभी तक केवल 8 मरीज ऐसे रहे हमारे जिनको कंप्लेंट हुई। उन 8 मरीजों में से 3 मरीजों को हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और उनको आज ढाई घंटे आज के की टोटल आज की आज की आप बता रहे हैं या टोटलिटी में बता रहे हैं? बता रहा हूं अब तक टोटल मेरठ का। ये 16 जी जनवरी जी से जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, जी पहले मैं जी छोटा सा समराइज करना चाह रहा हूँ सभी को। तो एग्जैक्टली उसमें केवल 3 लोगों को हमने हॉस्पिटलाइज किया, और 3 लोगों को भी ढाई घंटे के बाद में एंजाइटी डिसऑर्डर करके उनकी बिल्कुल छुट्टी दे दी गई। तो एक जी तरह से जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वैक्सीन है हमारी टोटली सेफ है, कोविशील्ड भी सेफ है और कोवैक्सीन भी सेफ है। अब हमारे पास जो है आज से जो यानी कि हमारा 45 वर्ष से ज्यादा का है वो 24.8% है। पूरे पूरे जी भारतवर्ष के अंदर जो प्रतिशत है वो यानी कि 45 साल से अधिक लोगों का पूरी जनसंख्या के अंदर वो 24.8% है। तो उस प्रकार से हमारे यहाँ भी लगभग 9.5 लाख लोग ऐसे हैं जो मेरठ जनपद के अंदर जिनको ये हमारा लक्ष्य है, ये लक्ष्य टारगेट हमारा 9.5 लाख का है, और इसमें से 1,29,000 में से लगभग लगभग 1 लाख लोग वो हैं जिनको हम टीकाकरण कर चुके हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर हो 45 साल से बड़े, चाहे वो हेल्थ जी वर्कर डॉक्टर हो सारे। तो टोटल जी हमारा जी टारगेट 8.5 लाख का है मेरठ के अंदर बता रहा हूं मैं। तो इस जी प्रकार से जी उनकी तैयारी की गई है। आज के सिनेरियो में हमने यानी कि हमें टारगेट मिला है, एक दिन का हमारा टारगेट वो 14,000 लोगों को टीकाकरण का है। जी इस जी प्रकार पूरे के पूरे महीने के अंदर हमें टारगेट मिला है 2,15,911 लाभार्थी ऐसे हैं जिनको हमें इस महीने के जी अंदर टारगेट पूरे यानी कि अचीव करना है। जी या जी जी हमने एक सत्र स्थल बनाए हैं जिसमें से 4 स्थल हमारे ऐसे हैं, 5, जहां पर कि हम सोमवार से शनिवार प्रत्येक दिन जी जी टीकाकरण करेंगे, चाहे छुट्टी हो। जैसे कल गुड फ्राइडे है, लेकिन कल हमारा जी पूरा वैक्सीनेशन होगा।
और रविवार को छोड़ दें, रविवार को क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मेले हैं और मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य मेले आयोजित किए हुए हैं, तो हमारा सोमवार से लेकर शनिवार तक वैक्सीनेशन होगा और रविवार को हमारे स्वास्थ्य मेले लगाए जाएंगे। हम कोई छुट्टी नहीं कर रहे हैं, कोई भी गजेटेड हॉलीडे के अंदर भी हमारा यहाँ पे जनपद मेरठ के अंदर और प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा टीकाकरण हम करने जा रहे हैं। जी, आज का जो टीकाकरण आज जो शुरू किया है आपने तीसरे फेज का, इसमें लोगों का उत्साह कुछ ज्यादा था या पहले की तरह था या कम था? अभी तक जो मेरे पास 1 बजे की रिपोर्टें आ रही हैं, जो हमारा टारगेट 14,000 का था उसमें लगभग 5,113 लोगों का टीकाकरण अभी तक हो चुका है, तो लगभग अच्छा। लगभग मुझे लग रहा है कि दूस है लोगों के अंदर, यानी कि 45 साल के लोगों के अंदर एक ये है, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ भी और पूरे प्रदेश के अंदर भी पूरे देश के अंदर भी फिर से एक वेव आई कोरोना की, मरीज जैसे बढ़ रहे हैं, सेकंड वेव ने दस्तक दे दी है जी, तो उससे लोगों का रुझान है कि, और ये बात बिल्कुल सच है कि जिन लोगों के, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको टीकाकरण हुआ था पहले और दोनों डोज लग चुकी थी लेकिन उनको फिर से कोरोना हुआ, लेकिन अच्छा। यदि आप देखें उनके कोरोना में और दूसरे कोरोना में दो डिफरेंस मिल रहे हैं। पहला डिफरेंस ये मिल रहा है कि उन लोगों को जो कोरोना हुआ उसकी सीवियरिटी बिल्कुल जीरो है, उन्हें कोई सिम्टम नहीं है, उन्हें किसी प्रकार के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, उन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ रहा है। दूसरा जो लोग यानी कोरोना का टीका लगाने के बाद भी पॉजिटिव हुए हैं, वो उनकी खास बात यह है कि वो अपने परिवार के लोग भी नेगेटिव आ रहे हैं, तो अच्छा। जहां पर हम जो दूसरे कोरोना के मरीज, जिस घर के अंदर एक मरीज निकलता है तो पूरा परिवार कंटेमिनेटेड हो रहा है, पूरा परिवार के अंदर जो लोग हैं वो सब के सब उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो जिन लोगों को कोरोना का टीका लगा, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो चाहे फ्रंटलाइन वर्कर हो, और दोनों डोज जिनको मिली, उनके परिवार के किसी को भी कोरोना का अभी तक सिम्टम नहीं है। मेरठ के अंदर भी हमारे 4 मरीज ऐसे हैं जिनको कोरोना का टीकाकरण हुआ और वो पॉजिटिव हुए हैं, तो वो बिल्कुल उनके अंदर किसी प्रकार की कोई सीवियरिटी और किसी प्रकार का ट्रांसमिशन उनके परिवार के अंदर नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये मतलब उन्होंने बीमारी को बांटा नहीं किसी को। यस, और उनकी खुद की सीवियरिटी भी बहुत कम हुई है। ओके, 4 केस मेरठ में से निकले हैं जिनको वैक्सीनेशन हो चुका था और उनमें कोरोना पॉजिटिव आया। यस। ओके डॉक्टर साहब, अभी आपने जो फ्रंट लाइनर्स थे उनको वैक्सीनेट किया, उसके बाद आपने सीनियर सिटीजन को वैक्सीनेट किया, और इसी बीच ही फिर गाइडलाइन में थोड़ा सा बदलाव आया कि जो तो 4 हफ्ते का जो पीरियड है वो 6 या 8 किया जा सकता है, तो जैसे आज भी उसके अकॉर्डिंग कई लोगों को वैक्सीनेट किया जाना था, जैसे आपने 1 मार्च को शुरू किया था सीनियर सिटीजन को, तो क्या वो लोग आए थे उनको आपने वापिस किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वे लोग आ रहे हैं और कई जो हम, वो अच्छी बात यह है कि हमारी बात किसी भी लाभार्थी ने, ऐसा नहीं हुआ कि जिसने हमारी बात नहीं मानी है, हमारे चिकित्सा अधिकारी लगे हुए हैं, उनको कन्विंस करा रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं, और जब हम उनसे ये बोल रहे हैं कि टीका तो हम आज आपके आज भी लगा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वैक्सीन हमारे पास है, लेकिन इसका लाभ इतना नहीं जितना कि आपको 6 हफ्ते के बाद मिलेगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये रिसर्च आ चुकी है कि दोनों डोज के बीच में जितना लंबा डिफरेंस होगा उतनी उसकी यानी कि वो एंटीबॉडी बनने और डेवलप होगी, जी इम्यूनिटी ज्यादा होगी, तो मेरा सुझाव यही है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब दर्शकों को ये बताइए कि 2 डोज में कितने दिन का जो है आइडियल फासला होना चाहिए, काफी कंफ्यूजन है इसको लेकर के। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो शासनादेश भी आए हैं और जो ये सारे शासनादेश वैज्ञानिकों की रिसर्च के ऊपर आ रहे हैं, जो अभी क्योंकि वैक्सीन थोड़े दिन से शुरू की है हमने और दोनों ही वैक्सीन बिल्कुल नहीं है, इनकी जो रिसर्च आ रही है उनकी एंटीबॉडी जो इनकी मेजरमेंट है वो देखा जा रहा है, तो कोवैक्सीन तो बिल्कुल वही है, 1 महीने के बाद ही आपको सेकेंड डोज लगानी है, 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में रखी है जी। और मैं वीक में नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की है उसकी आप दूसरी डोज ठीक 1 महीने से 1.5 महीने के बीच लगवा लीजिए, लेकिन जो कोविशील्ड, हाँ लेकिन जो कोविशील्ड है जो यानी के हमारे यहाँ पे एस्ट्राजेनेसिया से बनी है और यानी के इसमें
सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है बहुत अच्छी वैक्सीन है ये भी, ये 1.5 से 2 महीने के बीच में बूस्टर डोज लगवाएं। ओके कोवैक्सीन कोवैक्सीन ये भी स्टडीज कह रही हैं कि 2 महीने के बाद फिर से तीसरी डोज फिर से लगवानी है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैं आपसे बता दूं कि इसकी बूस्टर डोज है, एंटीबॉडी जो जन बॉडी के अंदर, जैसे ये एंटीजन है बॉडी के अंदर जाते हैं तो एंटीबॉडी डेवलप होती है, बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होता है, तो वो पूरी तरह से डेवलप होने में उसमें जो है थोड़ा समय लगता है। तो कोविशील्ड के लिए आप 1.5 महीने का समय दें। वैसे रिसर्च ये भी आ रही है कि अगर आप 1.5 महीने में भूल जाते हैं, 3 महीने तक भी आप लगवा लें तो वो बहुत प्रभावी है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे भारत के अंदर दूसरी वेव भी आ रही है, तो अगर सेकंड वेव आ चुकी है, 1.5 महीने में अगर हम टीकाकरण करा लेते हैं तो हमारी एंटीबॉडी इतनी हो जाएंगी कि हमें सीवियरिटी नहीं होगी। और मैं बता दूं मेरठ के जो आंकड़े हैं वो ऐसे हैं कि हमारे यहाँ पे 84% लोग वही प्रभावित हुए, उन्हीं की मृत्यु हुई जिनकी आयु 45 वर्ष से ज्यादा थी। तो हमें इस ग्रुप की बहुत ज्यादा चिंता है, अगर हमने इसका सारा वैक्सीनेशन करा लिया तो कितनी कोरोना आ जाए, कितनी उनकी वेव आ जाए, तो ना तो हमें सिम्टम होंगे, ना हमें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही हमारे अंदर मोर्टलिटी होगी, ना ही कोई किसी प्रकार की परिवार को, राष्ट्र को, समाज को कोई नुकसान होगा। जी 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 डॉक्टर साहब, ये वाली बात आप सही कह रहे हैं कि जिस एज ग्रुप को आज से आपने वैक्सीनेशन करना शुरू किया है, इस एज ग्रुप के काफी सारे लोगों को देश ने खोया। शायद से इसकी वजह ये होगी कि ये सबसे ज्यादा कामकाजी इस एज ग्रुप के लोग रहते हैं, इनको बाहर भी जाना पड़ता है, नौकरी पेशे वाले लोग भी होंगे, बिजनेस वाले लोग भी होंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि इसका असर जो है, जो आपने वैक्सीनेट किया है, उसका असर कितने दिन में दिखने लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जनरली जो हम ये भी रिसर्च है, ये भी नई, देखिए मैं आपसे फिर बता दूं ये दोनों वैक्सीन बिल्कुल नई है। वैक्सीन के ऊपर हमारी रिसर्च एवरीडे चल रही है, नई नई थ्योरी आ रही है और रिसर्च पेपर आ रहे हैं। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि पहली डोज लगने के, दूसरी डोज लगने के 8 दिन बाद, सपोज हमने 1.5 महीने के बाद दूसरी डोज कोविशील्ड की लगा ली, उसके 8 दिन के बाद इतनी एंटीबॉडी जरूर बन जाती है कि आपको किसी प्रकार का कोई खतरा आपके शरीर को नहीं। लेकिन फिर भी मैं सभी जो जितने भी सुनने वाले हैं, श्रोता है और दर्शक है, मैं उनसे जरूर कहूंगा सभी से कि ये कोरोना की बीमारी है और ये वायरस है, ये वायरस भी हमारे लिए बिल्कुल नया है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चें हो रही हैं, नई नई वैक्सीन आ रही हैं और इसमें म्यूटेशन भी हो रहा है। क्योंकि सबसे खतरनाक बात क्या होती है वायरस की, म्यूटेशन तो इसकी खास बात है ना, आकार को, यही ऐसा ना नोटोरियस है कि अपने आकार को बदल लेता है, जो हम वैक्सीन, इसी वजह से HIV की अब तक वैक्सीन नहीं बन पाई है। जैसे वैक्सीन बनाने के लास्ट स्टेज में आते हैं, क्या होता है कि अपना आकार बदल लेता है, तो वो हमारी वैक्सीन, हमारी दवाइयां वहां पर प्रभावी नहीं होती। तो इसलिए यही, आप अपना जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो मास्क है, जो आपका चेहरे पे मास्क है वो कभी हटना नहीं चाहिए, और जो आपकी सैनिटाइजेशन है जो आपके हाथों का, वो नहीं खत्म होना चाहिए। और जो आजकल सब भूल रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उसका पालन जरूर होना चाहिए। अच्छा, मैं मास्क के बारे में एक बात जरूर बता दूं, जब आप पूछ रहे हैं तो देखिए, कहीं मैं अपने मास्क को चेहरे पे लगा रहा हूँ इस प्रकार से, तो इससे मैं दूसरे को, केवल मुंह पर लगा रहा हूँ तो इससे मैं दूसरे आदमी को इन्फेक्शन नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर यही मास्क मैं अपने नाक के ऊपर लगा लेता हूँ तो मेरा बचाव होना शुरू हो जाता है, अपना भी बचाव होता है जी नाक के जरिए। आप कुछ लोग करते हैं कि मुंह के ऊपर रख करके आप बातें करते हैं, तो उससे आप दूसरे को तो बचा रहे हैं लेकिन खुद आपका बचाव नहीं हो रहा है। तो मेरा निवेदन यही है कि बहुत ही अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब, ये मास्क ज्यादातर मैंने देखा लोग अपना नाक नहीं ढकते हैं, जबकि नाक भी कवर होना चाहिए, जरूरी अपने लिए नाक का कवर होना बेहद जरूरी है। जी 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 डॉक्टर साहब, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इसके बहुत सारे वैक्सीनेशन के डू एंड डोंट्स हैं, तो वैक्सीन लगवाने से पहले और उसके बाद क्या करना चाहिए, ये जरा थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, इसके लिए मैं जो हमारे, हमने 1,29,000 लोगों को टीकाकरण कराया, मैं उससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। कई ऐसे कि मैं बताऊं, फिर आपसे बता दूं, ये 45 साल से जो ज्यादा उम्र है, इस समय अक्सर हमारे अंदर डायबिटीज हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं,
हमारा लाइफ स्टाइल सीडेंटरी हो जाता है, हम ऑफिस के अंदर ज्यादा काम करते हैं, तो हमें इससे बहुत ज्यादा खतरा है कोरोना से। तो सबसे पहला तो यही है कि आप निश्चित रूप से हर हालत में, अगर आप डायबिटिक हैं या दूसरी बीमारियां हैं, 45 साल से बड़े हैं, तो पहले टीकाकरण कराएं। अब टीकाकरण के लिए जो मुझे दो तीन बातें लगी है वो मैं आपको जरूर विस्तार से बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल विस्तार से बताइए ताकि हर बंदा समझ सके, हर व्यक्ति समझ सके, हर भारतीय समझ सके। यस यस, सबसे पहला है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो निश्चित रूप से आप कुछ खा पी करके जरूर आए, खाली पेट वैक्सीनेशन ना कराएं। हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन के अगर आपकी ग्लूकोज लेवल कम हो गया, कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे मरीजों को, दो तीन को ऐसा हुआ है कि हाइपोग्लाइसीमिया हुआ और उनको चक्कर आए और थोड़ी नींद आई, जब हमने ग्लूकोज चेक करी तो वो 60 या 65 या 70 थी, तुरंत हमें उनको ग्लूकोज देनी पड़ी और ड्रिप भी लगानी पड़ी। तो आप खाली पेट कभी वैक्सीनेशन ना कराएं, मेरा एक तो ये है। नंबर दूसरा ये है कि अगर आपको बुखार है, अगर आपको कोविड के सिम्टम आ रहे हैं, जैसे कि आपकी नाक बह रही है, आपको जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो किसी भी कीमत पे आप बोझ, हमारी वैक्सीनेशन लगातार चलेगी, आप निश्चिंत रहिए, वैक्सीन की कमी हम पे नहीं है, पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्रदेश में, मेरठ में वैक्सीन बिल्कुल कम नहीं है। तो 5 दिन के बाद लग जाएगी आपको, और अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं तो तुरंत अपनी कोरोना की जांच करा, ये बहुत मैंडेटरी। उधर आपने क्या किया, आपको सिम्टम कोरोना के थे, जांच आपने कराई नहीं, आप पॉजिटिव थे और आपने वैक्सीन ले ली, तो इसके दुष्प्रभाव होंगे। जो ये वायरस है, जो हम आपको वैक्सीन दे रहे हैं, ये अपने आप में डेड एंटीजन है, डेड वायरस ही है, और ये लाइव वायरस भी है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी के ऊपर गलत असर पड़ेगा। किसी भी कीलत में अगर सिम्टम ये है तो ना। नंबर तीन, गर्भवती माताओं के ऊपर अभी तक हमने कोई भी रिसर्च नहीं की है, तो गर्भवती माताएं टीके को बिल्कुल ना लगवाएं। नंबर चार, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो हेल्थ वर्कर हैं, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, या 45 साल से ज्यादा की हैं, तो वो किसी भी कीमत पर यानी कि अपना वैक्सीनेशन ना करें। और या उसके बाद में कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे आपको बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है प्रेजेंट में है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सपोज आपको आप कीमोथेरेपी पर है, कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है, या और कोई ऐसी बीमारी आपको हो रही है, आपकी शुगर बहुत ज्यादा है, तो पहले शुगर कंट्रोल करें। अगर आपको हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है तो केवल 2-3 4 दिन रुक जाइए, आपका बीपी कंट्रोल हो जाए, शुगर कंट्रोल हो जाए, तब आप दवा लीजिए। इसके बाद में 18 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, चाहे हमारे यानी के हेल्थ वर्कर हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि किसी भी कीमत पे, अभी रिसर्च नहीं आई है, अभी उनका वैक्सीनेशन जबरदस्ती ना कराएं। कुछ परिवार के लोग ऐसे हैं जो डर की वजह से कि मेरी फैमिली में डॉक्टर, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, मैं भी हूँ, मेरा एक बेटा 18 साल का है, 17 साल का है, बस वही बचा है, किसी तरह से बाहर भी जाना है, तो उसका वैक्सीनेशन करा दें। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से कि उनका वैक्सीनेशन अभी ना। जी, वो लोग अभी होल्ड पे रहे। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी आपने जानकारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहता, इसका थोड़ा सा बस यही है कि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसके साइड इफेक्ट भी हैं थोड़े से, क्योंकि जब भी हम वैक्सीन लगाते हैं, छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन हमारा पिछले 50 वर्षों से चल रहा है, और बहुत ज्यादा हम बच्चों को वैक्सीनेटेड कर रहे हैं, और कहीं कहीं 10-10, 12-12 बीमारियों के लिए प्रति वैक्सीनेटेड कर रहे हैं, उनके अंदर भी इंजेक्शन लगाने के बाद में थोड़े बहुत बुखार थोड़ा बहुत कुछ होता है, दर्द, तो मैं उसमें सलाह दूंगा कि पैरासिटामोल 650 mg की एक गोली वैक्सीनेशन के बाद में हम सबको रिकमेंड कर रहे हैं, एक गोली आप जरूर लें और एक गोली अगले दिन ले लें, इससे साइड इफेक्ट कोई है नहीं पैरासिटामोल का। दूसरा ये है कि कोविशील्ड लगाने के बाद में मेरा अपना अनुभव है कि मुझे भी खुद शिवरिंग हुई, मैंने 16 जनवरी को 2:52 पर वैक्सीनेशन कराया, और 17 तारीख की रात को मुझे शिवरिंग के साथ बुखार हुआ, तो वही एक सिंपल को पैरासिटामोल से ठीक हो गया। आप सही कह रहे हैं, शिवरिंग के काफी सारे केसेस मैंने भी सुने हैं, इवन मुझे भी शिवरिंग हल्की सी फील हुई थी। अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और मैं अपनी पूरी ड्यूटी ज्वाइन करी, और लेकिन कोवैक्सीन इज वेरी सेफ वैक्सीन, कोवैक्सीन से कहीं कोई बुखार, कोई किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हुई है, तो कोवैक्सीन भी बढ़िया है, कोविशील्ड दोनों अच्छी। तो मतलब आपने दोनों वैक्सीनेशन का नाम लिया है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन,
तो इसमें कौन सी ज्यादा बेहतर है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन? आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे? हाँ लग रहा है डॉक्टर साहब से संपर्क हमारा टूट रहा है। तो डॉक्टर साहब यही बता रहे थे कि इसका असर जो है हफ्ते 10 दिन के बाद ही लोगों में दिखता है। इट मीन्स जो इम्यून सिस्टम है वो जोर पकड़ता है 2 वीक के बाद। अभी फिर से डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। 2 डोज में कितने दिन का अंतर होता है ये डॉक्टर साहब ने बताया। वैक्सीन लगाने से पहले और उसके बाद में आपको क्या करना है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया। मीन्स जो भी डू एंड डोंट्स हैं वो सब डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं। तो इट्स गुड कि आज से जो है 45 साल के से ज़्यादा के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है, और उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी भी दिखाई है, क्योंकि इस एज ग्रुप के लगभग जो बीमार होने वाले लोग थे उनमें 90% की ऐसी रिपोर्ट आई है कि उन लोगों की इसमें डेथ हुई है। इसलिए इस एज ग्रुप को आज से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि वो लोग भी वैक्सीन ले ले रहे हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आप वैक्सीन के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और डॉक्टर साहब से दोबारा हमारा कनेक्शन जुड़ रहा है। लीजिए डॉक्टर साहब आ गए हैं दोबारा से जी आपके। जी तो डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे बात कर रही थी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में कुछ फर्क है क्या, या दोनों के साइड इफेक्ट में कुछ फर्क है? हाँ, नहीं, देखिए, दोनों की नेचर बिल्कुल अलग है। जो कोविशील्ड है वो लाइव वायरस है, उसका वो लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन जो हमारा यानी कि चिंपेंजी का जो एडिनो वायरस है, उसकी ग्लैंड से लिया गया एडिनो वायरस है, उसके बाहर की लेयर से बना हुई एक वैक्सीन है। तो वो ओ एक खास बात ये है कि इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसकी एक तो सबसे बड़ी बात ये कहते हैं इसकी यानी कि काफी जो इम्यूनिटी है बहुत दिनों तक रहती है। लाइव वैक्सीन कोविशील्ड जितनी की बात कर रहे हैं ना आप, कोविशील्ड की? कोविशील्ड की बात करता हूँ, कोविशील्ड इज लाइव वैक्सीन, तो जितनी जैसे कि जी हमारी की वैक्सीन है और दूसरी, तो उनकी जो इम्यूनिटी है बहुत लंबी रहती है। जी जी कोवैक्सीन के अंदर आप बात करें, कोवैक्सीन एक खास बात है, आरएनए से बनी हुई है। तो ये जनरली क्या, ये डेड ये किल्ड वैक्सीन है हमारी जो कोवैक्सीन है। तो जनरली जितनी भी किल्ड वैक्सीन होती है उनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, पहली बात। दूसरी बात होती है, अगर बहुत सारे म्यूटेशन हो जाए, जो कि म्यूटेशन हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे म्यूटेंट्स के ऊपर इफेक्टिव है। तो कोवैक्सीन की खास कोविशील्ड? बात, जी कोवैक्सीन की जी बात कर, कोवैक्स ओके कोविशील्ड सारे के सारे म्यूटेंट पे इफेक्टिव नहीं है, उसकी इम्यूनिटी लंबी है, लेकिन कोवैक्सीन अच्छा जो है उसके सारे के सारे जितने भी म्यूटेशन हो रहे हैं, मेजोरिटी में जो म्यूटेशन है उसके जितने भी म्यूटेशन हो रहे हैं उसके ऊपर इफेक्टिव है। तो कोवैक्सीन अपनी जगह पर अलग प्रकार की इफेक्टिव है। कोविशील्ड की लंबी जी ड्यूरेशन है, इसकी लंबी ड्यूरेशन इतनी नहीं है। एफिकेसी अगर बात करें तो ये जो हमारी वैक कोविशील्ड है ये 80% से ज्यादा इफेक्टिव है, और कोवैक्सीन है हमारी लगभग 60 से 65% इफेक्टिव। तो दोनों के दोनों बहुत अच्छे वैक्सीन है, दोनों का बिल्कुल जो क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, और कुछ उस बात उसमें अच्छी है, कुछ उसमें अच्छी है, दोनों वैक्सीन बहुत अच्छी है। और जनरली जैसे कि हमारी कोविशील्ड है, ये थोड़ी महंगी वैक्सीन है, ये भारत सरकार की 2,000 रुपए की वैक्सीन है, और 150 रुपए के अंदर भारत सरकार इसको दे रही है, 1,850 रुपए का इसके ऊपर सब्सिडी दे रही है, जबकि कोवैक्सीन हमारी सस्ती वैक्सीन है, 40 रुपए की है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आने वाले समय पे हम अपनी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन है वो ज्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो इफेक्टिव भी ठीक है और उसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम है। कोवैक्सीन लगाने वाले सेकंड डोज भी कोवैक्सीन की ही लेंगे या कोविशील्ड की भी ले सकते हैं?
फर्स्ट डोज अगर कोविशील्ड की ली है तो सेकंड डोज भी कोविशील्ड की ही लेनी होगी उन्हें। हाँ देखिए देखिए मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जनरली क्या जी होता है कि एक दो लोगों में ऐसा हुआ है कि जिन्होंने गलती से कोविशील्ड ली थी या उन्होंने वो बताना भूल गए, अपना कार्ड नहीं लाए और उनको वो दूसरी वैक्सीन दे दी गई, या एनएम की बाई चांस वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी, उसने ध्यान नहीं दिया कौन सी वैक्सीन थी, और जब पोर्टल पर चढ़ा तो पोर्टल स्वीकार नहीं किया, पोर्टल ने उसको स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि वो अगर कोविशील्ड होगी तो कोविशील्ड लेगा, पोर्टल कोवैक्सीन तो कोवैक्सीन होगा। उसने कहा कौन सी वैक्सीन आपको लगी, तो उसने कहा जी कोविशील्ड, उसने कोविशील्ड दे दी, और जब पोर्टल एंट्री करने लगे तो पता लगा वो तो कोवैक्सीन थी। लेकिन ऐसे बहुत कम केस हुए, हमने उनके ऊपर कॉन्स्टेंट नजर रखी है, अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है कि कोविशील्ड के अंदर कोई दुष्प्रभाव हुए। लेकिन ये निश्चित बात है, क्योंकि हम जो दूसरी डोज दे रहे हैं वो बूस्टर डोज दे रहे हैं। सपोज मान लिया हमने कोविशील्ड दी तो उसकी एंटीबॉडी बनी 40, तो हमने बूस्टर डोज इसलिए दी कि 40 की बढ़ करके 170 हो जाए, ताकि हमारी बॉडी उससे सेफ हो जाए। अब आपने वहां तो 40 ही बनेंगी, अब आपने दूसरी कोवैक्सीन दे दी उसकी भी फिर 40 बन जाएंगी, तो वो दोनों ही इफेक्ट आपके आएंगे नहीं। तो मेरा तो अपना ये निजी मत है मेरा, मैंने कई लोगों से माइक्रोबायोलॉजिस्ट से जो डिस्कशन किया है, तो उनका निर्णय ये है कि आप सपोज पहले आपकी कोविशील्ड लग गई और दूसरी अनफॉर्चुनेट आपको कोवैक्सीन लग गई, तो आप इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी एंटीबॉडी चेक कर लें। अगर एंटीबॉडी पूरी नहीं बनी है तो फिर दूसरी एक नेक्स्ट डोज जो है कोवैक्सीन की लगवाएं, लेकिन कोशिश डॉक्टर करें कि आपने कोविशील्ड वाला कोविशील्ड ही लगवाए और कोवैक्सीन वाला कोवैक्सीन ही लगाए। अभी ये भी रिसर्च चल रही है कि कोविड लाइव, क्योंकि दोनों वैक्सीन का नेचर अलग है, एक लाइव वैक्सीन है एक किल्ड वैक्सीन है, तो दोनों की नेचर अलग हो गई है, नुकसान भी हो सकता है मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन हमारे जो मरीज थे एक दो उनमें ऐसा नुकसान हुआ नहीं, हमने उनकी कॉन्स्टेंट निगरानी रखी है। लेकिन अभी उनकी फिर यही है कि जैसे मेरे विचार से उनको फिर से एंटीबॉडी चेकअप कराएंगे, टाइटर देखेंगे, और अगर ऐसा लगा तो फिर उनको यानी कि वो डॉक्टर दूसरी साहब, एक डोज। सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है, क्या आपको दूसरी डोज लग चुकी है? संभवतः लग चुकी होगी दूसरी डोज, तो दूसरी डोज में मैम कुछ आपकी साइड आवाज इफेक्ट अलग किस्म के आते थोड़ी कम आ हैं? रही है मुझे। जो दूसरी डोज होती है उसके क्या सिम्टम, उसके कुछ साइड इफेक्ट अलग किस्म के होते हैं हाँ सेकेंड यस, ये डोज भी के? बहुत अच्छा प्रश्न है मैम, कि जिन लोगों को जैसे मुझे पहली, जब मैं पहली डोज लगी तो मुझे शिवरिंग और बुखार आया, लेकिन सेकंड डोज के अंदर किसी प्रकार का कोई भी मुझे पता नहीं लगा। ऐसे सभी लोगों से मैंने पूछा जिनको पहली डोज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जो वैक्सीन थी, लेकिन सेकंड डोज के अंदर किसी को कोई भी परेशानी इस प्रकार की नहीं है। थैंक डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों यू। को, और मैं फिर से किसी और मुद्दे पे आपसे बात करूंगी। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू।